फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी आर्या और आज की जो वीडियो है वो कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो मैं वीडियो के सामने अपने चेहरा लेकर आती हूँ उसके ऊपर जो मेकअप होता है वो मैं कैसे करती हूँ, तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ और शायद काफी लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। मैं इसीलिए लेके आई हूँ ये मेकअप वीडियो। और एक मेरे को स्टूडेंट ने भी पूछ लिया था वो कि उनको फर्स्ट डे कॉलेज का मेकअप चाहिए। तो देखिये, मुझे कोई मेकअप करना नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं जैसा करके आती हूँ जैसा मुझे आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और प्लीज नीचे ना खराब खराब कमेंट करके मेरे को प्लीज भला बुरा मत कहिएगा। और सब लोग, बहुत सारे लोग ना झूठी झूठी, और मेरे को बहुत ज्यादा चिढ़ होती है इन सब बातों से क्योंकि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा ये चैनल ना मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से स्टार्ट किया है और काफी कुछ लगा हुआ है मेरा इस चैनल के अंदर, तो जब वो लोग ऐसे बोलते हैं तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और फिर भी मैं उनका अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। तो आज ये जो मेरा फेस है वो ऐसा है, तो मैं अभी सबसे पहले, जब आप कोई मेकअप करते तो आपको स्नान करके आना पड़ेगा, तो वो मैं कर चुकी हूँ। और भी ज्यादा आपको विश्वास दिलाने के लिए, ये देखिए, ये एक फेस स्टाइल है तो मैंने इसको गीला किया हुआ है यहाँ पे। और प्लीज मेरी आईज को इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी आंखें ऐसी ही होती है, तो मैं इसको चेहरे पर रब कर देती आपके सामने ताकि आपको लगे ना कि मैंने कोई भी मेकअप लगाया है अभी फिलहाल। ठीक है, डन। और ये तो था आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। सेकंड थिंग, मैं इसको थोड़ा हटा के यहां रख देती हूँ। सेकेंड थिंग, मैं टोनिंग करती हूँ, तो फिलहाल मैं आयुर का एक टोनर है वो टेस्ट कर रही हूँ, तो देखते हैं कि वो टोनर कैसा है। मैंने उसको 2-3 दिन से यूज करना स्टार्ट किया है, तो ये है वो आयुर का टोनर। इसका रिव्यू आपको जल्दी ही मिलेगा। तो जो भी प्रोडक्ट मैं नया लेके आती हूँ रिव्यू के लिए वो मैं टेस्ट करती हूँ, क्योंकि बिना टेस्ट के मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो इस टोनर को लगा लेंगे पहले। फैंसी वीडियो नहीं है ये, कभी आप लोग कहें ये क्या बकवासी वीडियो है, मेरे को जैसा आता है ना मैंने वैसा बता दी है। बहुत ज्यादा आप लोग बोलते हैं तो मैं लेके आ गई, वरना ऐसी वीडियो मेरे को बनाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो अभी मैं टोनिंग कर लिया है मैंने, ये थोड़ा इसको सूखने देते हैं और जितनी देर में सूख जाएगा, फैन ऑन है मेरे रूम का और अभी एसी तो ऑन नहीं है, तो ये सूख जाएगा थोड़ा सा। और ये जो टोनर है इसका रिव्यू मैं अगर आपको अभी दूं तो ये है कि इस टोनर को लगाने के बाद आपको बहुत ज्यादा, मतलब यू नो, ऐसा फील होगा जैसे कि आपने मिंट जैसा, जैसे आप मिंट खा लेते हैं तब माउथ फ्रेशनर की तरह फील होता है, वैसे इसके ऊपर ठंडक ठंडक फील होती है, जो काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट, मैं हमेशा की तरह इसको शेक कर लेता, थोड़ा अप्लाई करती हूँ लैक्टोगैलामाइन। ये मेरा ओल्ड टाइम फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा ले लूंगी अपने हाथ पे। लेने में दिक्कत हो रही है, निकल जा, खुल जा सेम सेम। ठीक है, तो मैं इसको ले लूंगी अपने हाथ पे और इसको लगा लेते हैं अपने फेस पर। और नेक, चाहे मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैं लैक्टोकैलामाइन कभी नहीं छोड़ती हूँ और मैं डेली में ये ही लगाती हूँ, कोई अलग से चीजें प्रेफर नहीं करती हूँ लगाने के लिए, मुझे यही पसंद है। यहाँ देख रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्यू फाइंडर में देखना पड़ता है। ये हो गया डन, अब ये खुद वो खुद सेट होता रहेगा, ठीक है, उसके इतना झंझट नहीं लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा, ये मेरे पास बोरो प्लस है, ये मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पर लगा लेती हूँ क्योंकि जो मैं लिपस्टिक यूज करती हूँ वो थोड़ी सी ड्राई होती है, तो मैं थोड़ा सा इसको लगा लूंगी अपने लिप्स पर। और उसके बाद हम लगाएंगे काजल, तो मेरे पास है ओरिफ्लेम का ग्रीन कलर का काजल, आज मैं ग्रीन कलर ट्राई करने वाली हूँ, याद दिया मैंने। चलिए, ये एक रिट्रैक्ट
डिटेक्टेबल पेंसिल है, ओरिफ्लेम की है ये, तो इसको लगा लेते हैं। मेरी आंखें थोड़ी सी चाइनीज जैसी है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने जो काजल है और इन सब चीजों को, मेरे को अपनी आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मेरे पसंद लायक बनाने के लिए मैं अपने तरीके से कोई चीज यूज कर लेती हूँ। तो ये मैंने काजल लगा लिया है और इसको अभी लंबे समय तक बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आई लाइनर लगा लूंगी। मेरे पास ये ब्लू हेवन का आई लाइनर है जो मेरे को ठीक से बिल्कुल भी लगाना नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। पहले ये नहीं, पहले ये वाली आंख। इसको सूखने देते, जो मेरी ये वाली आंख है थोड़ा सा दिक्कत करती है। ये डन हो गया। इसके बाद आती है लिपस्टिक, तो दिक्कत तो नहीं कर रही, नहीं है थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है ना, वो कोई चीज लगाते हैं तो अपना तो पता ही नहीं चलता। अब मेरे पास है लिपस्टिक, तो मैं मोस्टली वही लिपस्टिक लगाती हूँ। कहाँ गई मेरी लिपस्टिक, मेरा अपना तरीका है। और बस ऐसे मैं आ जाती हूँ अपने स्क्रीन के पास और आप लोगों से बात करने, आप लोगों को प्रोडक्ट का रिव्यू देने के लिए। तो यही था मेरा सिंपल इजी मेकअप, जो आप लोगों को मेकअप 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 लगता है, बस इतना ही करती हूँ मैं। लिपस्टिक लगाने से और आईलाइनर लगाने से चार चांद लग जाते हैं चेहरे पर और आप अपने जो कमियां हैं उनको छुपा सकते हैं चेहरे पर। कमियां तो खैर किसी में भी नहीं होती है, वो तो मानने के ऊपर है। तो ये था मेरा इजी सा मेकअप रूटीन, इसको आप मेकअप कहिए, स्किन केयर कहिए, बस एक मॉइस्चराइजर लगा के ही मैं डन हो जाती हूँ। और मुझे लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सारी तरह की लिपस्टिक्स हैं। और अभी मेरा एसी ऑन हो गया है तो आपको आवाज़ आई होगी। और ये था मेरा छोटा सा मेकअप रूटीन, वीडियो लंबी हो गई है नॉर्मली। और आप सब बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। मैंने आप लोगों को टोनर और क्या कहते हैं उसको, टॉवल से अपने चेहरे को वाइप करके भी दिखाया कि मेरा चेहरा कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो मैं अपना एड्रेस दे दूंगी, मेरे घर पे आइए, रहिए मेरे साथ और मेरी दिनचर्या देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरी स्किन कैसी रहती है। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, ये कोई फैंसी वीडियो नहीं है। मैं कोई 50-60 ब्रश लेके और अपने आंखों के आजू आजू ब्लेंडिंग ब्रश और ये फलाना वलाना ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे आता भी नहीं है करना। तो मेरे को जितना आता है मैंने आप लोगों को बताया। मेरे को आईलाइनर भी ठीक से लगाना नहीं आता है, विंग आईलाइनर जो मैं लगा के आता है उसको बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, इवन वो होता ही नहीं है। तो अगर आप सभी को मेरा ये रूटीन पसंद आता है कि जो मैं वीडियो के सामने कैसे आती हूँ, तो प्लीज आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। और अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए,
स्टमक अच्छा रहेगा तो आपके फेस पर अच्छा सा ग्लो आएगा, गोरा होने से ग्लो नहीं आएगा, ऐसे ज्यादा ग्लो आएगा आप लोगों के पास। तो ये था मेरा रूटीन, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी सजेशंस हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं कमी लग रही हो तो वो भी बता दीजिए, मेरे को ठीक नहीं कर पाई हूँ कुछ तो वो भी बता दीजिए। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए एंड अल्लाह।